आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 24 अप्रैल के ईश्वर वरदान में। आज परमात्मा हमें समझाते हैं कि कभी ना कभी हम जीवन में आगे बढ़ते हुए चलते हुए जब हम कुछ या तो सेवा के मार्ग में होते हैं या कुछ नए कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आकर के विघ्न बनाने की कोशिश करते हैं या कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखते हैं या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम इनसे बेहतर कर सकते थे, हमें क्यों नहीं चांस मिला या हमें क्यों नहीं ये मौका मिला, तो कहीं ना कहीं वो विघ्न बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम अपनी करेज रखो, तुम अपना निडरता रखो, फियरलेसनेस रखो और आगे बढ़ते जाओ और मेरा साथ तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशंस उसके अंदर कि वो तुम सारे गुणों के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर और दिल भी साफ रख करके काम कर रहे हो। तो देखिये, परमात्मा आज के वरदान में कहते हैं एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर, हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भवा। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। चाहे इंसान मदद करे ना करे लेकिन उनको परमात्मा की मदद, परमात्मा की मदद मतलब जो आत्माएं परमात्मा से जुड़ी हुई हैं वो उनकी मदद में जुड़ जाती हैं। चाहे फिर जो बेमुख हुई हुई आत्माएं परमात्मा से, जो ईर्ष्या में आई हुई हैं, जो घृणा में आई हुई हैं, वो चाहे बेमुख हो जाएं परमात्मा से और आपसे भी बेमुख हो जाएं, आपके उस कारण से, आपकी सेवा से भी बेमुख हो जाएं, आपके आइडिया से बेमुख हो जाएं, लेकिन आपको वैसी आत्मा मिल जाएंगी जो कि आपके साथ और परमात्मा के साथ जुड़ सकती हैं या जुड़ी हुई हैं। परमात्मा फिर कहते हैं हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। अगर आप हिम्मत रखते हो तो आपके अंदर क्या होता है, ऑनेस्टी आ जाती है आपके अंदर ऑटोमेटिकली, आपके अंदर सत्यता आती है, आपके अंदर निडरता आती है, निर्भयता आती है आपके अंदर, आप हमेशा सहनशील होते हैं, आप हमेशा पेशेंस रखते हैं अपने अंदर, धैर्यता रखते हैं कि ये कार्य जो है हुआ पड़ा है हो जाएगा, नॉट टू वरी, नो प्रॉब्लम आ जाती। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने, अनेक कदम के सहयोग के अधिकारी बने। आपको एक कदम आगे रखना है, इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो। अब ये कैसे दान कैसे दोगे आप, कोई चीज तो है नहीं कि आप जो दान दे दोगे करेज की, आपको करके दिखाना है, तब जाकर के और लोग आपके करेज को देख करके, आपने कैसे फेस करी सिचुएशंस प्रॉब्लम्स उसको देख करके आगे बढ़ते जाएंगे आप और वो भी आगे बढ़ते जाएंगे आपको देख करके, वो भी करेज रखेंगे, बोलेंगे अच्छा ये रास्ता है, मतलब कि ये कांटे हैं, कांटों से ऐसे ऐसे जाना है, इन्होंने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकती आत्मा या कर सकता। तो इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। और ये विशेषता आई कहां से है, दी किसने है, सारी परमात्मा की देन है। कभी ये ना सोच लेना कि ये मेरी है या मेरा अंदर का आइडिया है, मेरे संकल्प है या मेरी सोच है या मेरे बोल है या मेरा ज्ञान है, कभी नहीं। अगर ये हुआ तो बहुत सारी आत्माएं आपको सहयोग देने की जगह आपके अगेंस्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजों को आप समझें और इसको और समझने के लिए और गहराई से इसको अपने जीवन में धारण करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाने के लिए आप परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी में आकर इस ज्ञान को ले सकते हैं। ओम शांति। इसके साथ